वेंटिलेशन के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर में भी आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, मतलब तो यहाँ से इसको आप खींचेंगे तो मतलब चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग भी 5 अब हो गया। पहले सर आपको आएगा 15,15,15,000। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं द अमर टेक्निकल। सामने लगी हुई है टाटा नेक्सन। टाटा नेक्सन का आप काफी सारा वीडियो तो पहले देख ही चुके हैं और ये जो लगी हुई ये है आपके डुअल टोन में सबसे टॉप मॉडल, फेयरलेस मॉडल है ये। आपको उससे पहले बात कर लेते हैं हम की सबसे बेहतर से आपको टाटा का की ही निकलेगा। गाड़ी से ज्यादा हमको पसंद टाटा का की आ जाता है। कारण क्या है ना कि इतना बढ़िया सा प्रीमियम सा वो की देखने को यहाँ पर आपको मिल जाता है। लॉक के लिए आपको ऊपर में बटन दिया गया है, अनलॉक आपको यहाँ मिल जाता है। हेडलैम्प का आपको यहाँ पर स्विच दिया गया है एक फॉलो मी का, जो कि आप जैसे ही इसको अगर प्रेस करके रखते हैं तो आपका हेडलैम्प जलने लगता है। यहाँ बूट एक्सिस के लिए आपको दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हम इसके चारों साइड से क्या सब हमको देखने को मिल जाता है। तो बहुत बढ़िया ये आपको कार है। यहाँ देखेंगे तो आपको इसमें जो फ्यूल कैप यहाँ दिया गया है, यहाँ देखते हैं आपको मिल जाता है। आपको कैमरा का प्लेसमेंट एक यहाँ पर आपको किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो बढ़िया सा आपको इसमें फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। ये फेयरलेस मॉडल है, इसमें आपको चार कैमरा देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके फ्रंट से। फ्रंट की अगर हम बात करेंगे आपको तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके विड्थ की। 1811 mm का इसमें हमको विड्थ देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया इसका विड्थ निकल के आ जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ ऊपर में हम देखते हैं तो टाटा का आपको लोगो देखने को मिल जाता है। वहीं ये पूरा का पूरा ब्लैक पियानो फिनिश में यहाँ पर आपको देखने को ये मिल जाता है इसका फ्रंट में। वहीं अगर हम इसके बंपर की बात कर लेंगे तो बेहतर था इस बार आपको फेस लिफ्ट में काफी बेहतर इसका फ्रंट प्रोफाइल कर दिया गया है। यहां देखेंगे तो ये आ जाता है आपको टर्न इंडिकेटर विथ DRL यहां पर आपको प्लेसमेंट किया गया है। यहीं देखते हैं तो आप देख लेते हैं तो ये आ जाता है स्प्लिट आपको दिया गया है हेडलैम्प। दो हेडलैम्प का सेटअप आपको यहाँ दिया गया, एक हाई और एक लो के लिए। नीचे यहाँ पर आपको एक गैप जो देख रहे हैं ये आपको एरोडायनेमिक के लिए यहाँ पर आपको एक गैप दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं साइड में हवा पूरा पास हो उसके लिए यहाँ पर बनाया गया है। फ्रंट में आपको दो सेंसर दिया गया है, दोनों कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इसका प्लेसमेंट किया गया है। फ्रंट में देखेंगे तो 360 का कैमरा का भी प्लेसमेंट यहाँ पर आपको किया गया है, जो कि काफ़ी बेहतर सेंटर में ही आपको निकल के आ जाता है। नीचे आपको बड़ा सा ग्रिल का डिजाइन आपको काफ़ी बढ़िया नीचे आप देखेंगे तो स्किड प्लेट आ जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके हम साइड प्रोफाइल की। अगर साइड प्रोफाइल की बात कर लेंगे तो काफ़ी बेहतर साइज का साइड प्रोफाइल निकल के आ जाता है। वहीं अगर इसके लेंथ की अब बात कर लेते हैं, आपको कॉम्पैक्ट SUV में सबसे बेहतर मतलब किंग कहा जाता है, आपको 5-star रेटेड कार है। अगर इसके हम लेंथ की बात कर लेंगे तो 3994 mm का इसका लेंथ निकल के आ जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके क्लैडिंग की। यहाँ देख सकते हैं फ्रंट में आपको क्लैडिंग किया गया फेंडर के ऊपर में ही। ये व्हाइट कलर है बट अब कलर के कारण आपको थोड़ा सा ये पीला सा लग रहा होगा, बट ये पूरा का फुल व्हाइट आपको निकल के आ जाता है। तो यहीं अगर बात कर लेते हैं यहाँ तो आपको मिल जाता है एलाय व्हील भी काफ़ी बढ़िया आपको इस बार डिजाइन इसका एलाय व्हील का कर दिया गया। फ्रंट में आप देखेंगे तो डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाता है, गुडियर का टायर मिल जाता है, 275/60R16 का इसमें आपको मिल जाता है एलाय व्हील, जो कि काफ़ी बढ़िया टाटा के लोगों के साथ में ये लगता है। यहाँ देखेंगे तो आपको क्लैडिंग किया गया है और रनिंग बोर्ड पर देखेंगे तो वहाँ भी आपको क्लैडिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ देख लेते हैं आपको ORBM पे तो आपको टर्न इंडिकेटर यहीं पे इसका प्लेसमेंट किया गया है। 360 कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ए पिलर आपको फुल ब्लैक में ही देखने को मिलता है। अगर यहाँ देखेंगे तो 50 लाख कार बिकी है उसका आपको यहाँ पर बैजिंग देखने को मिल जाता है। बी पिलर इसका ब्लैक मिल जाता है। सी पिलर ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में आपको यहाँ आ जाता है। वहीं अगर हम साइड बीडिंग की बात कर लेंगे तो आपको डुअल टोन में साइड बीडिंग मिल जाता है। ब्लैक और व्हाइट का यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो किया गया है काफ़ी बेहतर सा निकल के यहाँ पर आ जाता है। डोर अगर देख लेते हैं हैंडल तो यहाँ पर बॉडी कलर मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर। यहाँ देखेंगे तो आपको की इंसर्ट के लिए जगह एक दिया गया है। अगर रेयर ब्रेक की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये मिलता है ड्रम में। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाता है, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। ऊपर की साइड में देखेंगे तो आपको रूफ रेस जो दिया गया ये सिल्वर में आपको यहाँ पर रूफ रेस देखने को मिल जाता है। अब आ जाते हैं इसके रेयर प्रोफाइल में। रेयर प्रोफाइल में देखेंगे शार्क सिम पे एंटीना मिल जाता है, ब्लैक पियानो फिनिश ऊपर में आपको देखने को मिल जाता है। वहीं देखेंगे तो ये स्पॉइलर जो देख रहे हैं मैट ब्लैक में देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पर नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ आ जाता है इसका वाइपर। वाइपर भी काफ़ी बढ़िया आपको इंस्टॉल इस बार किया गया है, एकदम अंदर में छुपा दिया गया है। अगर रेयर में देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बेस मॉडल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं रेयर से ही गाड़ी का मॉडल, क्योंकि अब बैजिंग नहीं देखने को मिलता है रेयर में कि कौन सा मॉडल है। यहाँ देखेंगे तो आपको डिफॉगर मिल जाता है, कनेक्टेड आपको टेल लैंप मिल जाता है टाटा का, यहाँ पर आपको लोगो मिल जाता है। रेयर में आपको कैमरा यहाँ पर देखने को मिल जाता है, नेक्सन का बैजिंग मिल जाता है।
आपको दो इसमें रेयर पार्किंग सेंसर मिल जाता है, ये चार होना चाहिए। इससे सस्ती सस्ती कार है जिसमें आपको चार रेयर में आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको देखेंगे तो एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ देखते हैं तो ये सब आपको जो दिया गया है ये LED में देखने को मिलता है। यहाँ अगर आप देखते हैं टर्न इंडिकेटर, यहाँ पर आपको प्लेसमेंट इसका किया गया है। अब आ जाते हैं यहाँ तो देखेंगे तो आपको स्कीड प्लेट की बात करेंगे तो ये भी आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पर निकल के आ जाता है, जो कि सिल्वर कलर में देखने को यहाँ पर मिल जाता है। वहीं अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेंगे तो आपको 208 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। लगभग फ्यूल कैपेसिटी की बात कर लेंगे तो लगभग 42 लीटर का इसमें आपको फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। यहाँ देख लेते हैं अब तो ये ORBM की बात करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर जो ORBM दिया गया है यहाँ पर भी आप एक देख सकते हैं कैमरा का यहाँ पर प्लेसमेंट किया गया है। अब बैठते हैं इसके अंदर में और बात करते हैं कि और हमको अंदर में क्या सब देखने को मिल जाता है। अब आ जाते हैं इसके फ्रंट डोर के ऊपर में, यहाँ देखेंगे तो आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाता है। वो यहाँ देखेंगे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ऑल फोर पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, एक अप एंड डाउन आपको ऑटो मिल जाता है, डोर ओपनर मिल जाता है क्रोम में। यहाँ देखते हैं ट्विटर का प्लेसमेंट किया गया है। ये अगर बात कर लें यहाँ पे तो मिल जाता है जॉय स्टिक, जो कि ORBM का कंट्रोल यहाँ दिया गया है। आप इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों आप यहाँ से इसमें कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं तो आपको मिल जाता है स्पीकर का प्लेसमेंट, छाता रखने के लिए आपको यहाँ पर जगह एक दिया गया है। यहाँ देखेंगे तो बॉटल होल्डर मिल जाता है, एक आ जाता है रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर काफ़ी बढ़िया चीज़ है, रात में अगर कोई गाड़ी अगर गुजर रही है बगल से, डोर ओपन है तो ये आपको एकदम बॉल की तरह जलता है, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ इसमें आपको दिया गया है। वहीं अगर हम बात कर लेंगे इंटीरियर की तो इंटीरियर तो खैर काफ़ी बेहतर बना दिया गया है। अगर सीट की बात कर लेंगे तो पूरा फुल आपको लेदर में ही देखने को यहाँ पर मिल जाता है। हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पर मैनुअल आपको हाइट एडजस्टेबल यहाँ मिल जाता है, बट आपको ये जो देख रहे हैं सीट ये वेंटिलेटर जरूर मिल जाता है, उसका बटन आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको 3 स्टेप में मिलता है, जितना आपको मतलब वेंटिलेशन चाहिए उस हिसाब से इसमें वेंटिलेट आप कर सकते हैं अपने सीट को। की को रख देते हैं यहाँ पे और बात कर लेते हैं हम स्टेयरिंग की। स्टेयरिंग तो खैर काफ़ी बेहतर अब कर दिया गया है पहले से। अब आपको इसमें 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील आ जाता है और जादू से इसमें हम टाटा का लोगो ला देते हैं। पहले टाटा का आपको लोगो के लिए आपको जादू करना पड़ता है, तो यहाँ देखेंगे तो आ गया टाटा का लोगो। पहले आपको यहाँ पर क्रोम में देखने को मिलता था, बट अब आपको ये एल्यूमिनेटेड लाइट जलता है, रात में आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि एकदम मामूली सा लाइट इसमें निकल के आता है। यहाँ देखेंगे तो आपको म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस साइड में क्रूज कंट्रोल का आपको ऑप्शन दिया गया है। डिजिटल आपको मिल जाता है इसका क्लस्टर, काफ़ी बेहतर आपको इसका क्लस्टर निकल के आ जाता है। और वहीं बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग की तो हम यहाँ पहले चेक कर लेते हैं टिल्ट और टेलीस्कोपिक, केवल टिल्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है इसका स्टेयरिंग। अब बात कर ले म्यूजिक सिस्टम की तो बड़ा सा आपको यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। आपको 4 AC वेंट मिल जाता है, एक यहाँ पर प्लेसमेंट किया गया है और तीनों का प्लेसमेंट यहाँ पर किया गया। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पर दिया गया है। ये जो पैनल देख रहे हैं AC का या हेजार लैम्प का, फुल्ली डिजिटल कर दिया गया एकदम टच के साथ। इसको टच करेंगे तभी आपका टिकटॉक जलेगा। बूट एक्सेस के लिए भी आपको यहाँ पर ही टच, टोटल टच ही दिया गया है। केवल AC आप कम ज़्यादा करना हो फैन का तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं फिजिकली, और यहाँ आप हीटिंग करना हो या कूलिंग करना वो फिजिकल, बाकी सब कुछ आपको टच में ही मिलता है। बात कर ले यहाँ तो आप एक मिल जाता है 12 वोल्ट का, आपको यहाँ पर चार्जिंग का पोर्ट एक दिया गया है। यहाँ देखेंगे तो एक सी टाइप मिल जाता है, 5 वोल्ट 3 एम्पीयर का आपको यहाँ पर चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो ए टाइप चार्जिंग का आपको पोर्ट मिल जाता है। ये सब आपको फुल्ली लेदर में आपको मिलता है, जो कि इस पर सिलाई जो किया गया स्टिच वो आपको ब्लूइश मिलता है। अगर हम बात कर लें यहाँ ग्लव बॉक्स की तो बेहतर आपको ग्लव बॉक्स निकल के आ जाता है। बड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो ग्लव बॉक्स, जो कि 2 कप होल्डर वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ATM कार्ड वगैरह रखना हो तो यहाँ पर टाइगर का लोगो देख सकते हैं। अंदर में आपको आराम से 2-3 लैपटॉप रख सकते हैं। अंदर में आपको एक मिल जाता है ये लाइट कुछ इस प्रकार का यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इसमें मिल जाता है टोटल 6 एयरबैग, 2 मिल जाता है फ्रंट में आपको यहाँ ड्राइवर साइड एंड कौन ड्राइवर साइड, 2 पिलर पे, 2 आपको मिल जाता है सीट पे, यहाँ पर सीट पर भी देख सकते हैं इसका बैजिंग किया गया है, 2 मिल जाता है पिलर पे, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है आपको, और 5-स्टार रेटेड कार है। यहाँ देखेंगे तो आपको अब आ जाता है इसका मीटर, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ देख सकते हैं आपको डिस्टेंस बता रहा है, आपको एवरेज बता रहा है, ट्रिप आपको देखने को मिल जाता है, फ्यूल मिल जाता है बहुत। यहाँ देख सकते हैं आप TPMS का भी आपको ऑप्शन इसमें देखने को मिल रहा होगा सामने, तो बहुत सारा फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। व्हीकल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, सर्विस रिमाइंडर आपको मिल जाता है, तो इसमें जितना चाहे आप इसमें फीचर जो बोल सकते हैं कूट कूट के भरा गया। यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाता है टेकोमीटर, इस साइड में मिल जाता है आपको स्पीडोमीटर, यहाँ आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है, इंजन लाइट वगैरह जो भी है आपको सारा चीज़ का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। इसमें आ जाता है तो इसमें भी आपको बहुत सारा फीचर आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें अगर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले का आपको सपोर्ट भी इसमें मिल जाता है, तो जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ देखेंगे तो ऊपर में ही आपको इसका
सारा कुछ देखने को मिल जाएगा आपको। अमेजोन का यहाँ एलेक्सा का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसमें, तो आप जैसे ही एलेक्सा का जो फीचर होता है फीचर आप इसमें यूज कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल आप जो करना चाहें तो इसमें आप क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें कर सकते हैं। तो इसको भी करते हैं बैक। अब आपको डिस्प्ले में बहुत सारा फीचर देखने को यहाँ पर मिल जाता है, फोन का सेटिंग मिल जाता है, आप इसमें फोन सेटिंग जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है। मीडिया का कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, आईपैड, ब्लूटूथ, यूएसबी सारा चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं बैक। तो IRBM यहाँ आपको ऑटो डिम IRBM देखने को मिल जाता है। ऊपर में रूफ की बात करें ये भी आपको फुल ब्लैक ही रूफ देखने को मिलता है। मेरे साथ जुड़ गए हैं अक्षय सर। अक्षय सर बता देंगे गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या आ जाएगा। फेयरलेस में हम लोग अभी बैठे हैं तो फेयरलेस का प्राइस बता देंगे और आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता देंगे कि आपका। देखिए ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये नेक्सॉन का फेयरलेस प्लस मॉडल है, टॉप इन वेरिएंट है। सर ने आपको बताया कि न्यू लुक में आप देख ही रहे हैं। इसका ऑन रोड प्राइस सर आपको आएगा 15,15,000। ओके ऑन रोड प्राइस जी। और आपसे लोग संपर्क कैसे करें वो बता दीजिए। संपर्क मेरे प्रोफेशनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं वो, जो कि मेरा है 9103351511। तो आप एक बार अक्षय सर से संपर्क कर सकते हैं, इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे। और बाकी किसी भी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए, टेस्ट ड्राइव चाहिए, तो सारा चीज़ यहाँ उपलब्ध रहता है। सामने टॉप मॉडल ही लगी हुई आपको ये नेक्सॉन टेस्ट ड्राइव के लिए। और क्या बताना चाहेंगे सर गाड़ी के बारे में? गाड़ी के बारे में जैसा कि बता रहे हैं कि जो कि नेक्सॉन हमारा ऑलरेडी पहले से डिमांडिंग मॉडल था और अभी फेसलिफ्ट में आ गया, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये लेदर सीट के साथ वेंटिलेटेड सीट भी का ऑप्शन होता है। ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड। और इसमें एक फीचर और जुड़ गया है जिसमें हम हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, को ड्राइवर साइड भी, को ड्राइवर साइड भी एडजस्ट कर सकते हैं। जो कि आप सर स्टीयरिंग पे फोकस कीजिएगा तो इसमें इल्यूमिनेटेड लोगो आ जा रहा है, ठीक है। और फ्रंट और रियर लुक भी आप देख रहे हैं काफी चेंज किया है। और वो जो मजबूती था, जो हमारा भरोसा था 5-स्टार रेटिंग, वो तो है ही। प्लस इसमें पहले हमारा चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग 4 था, अब ये 5-स्टार हो गया। अच्छा, और भी ज्यादा मजबूत, और मतलब पहले से बढ़िया आपको इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये काफी बढ़िया चीज है, मतलब चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग भी 5 अब हो गया, पहले जो 4 था, तो वो काफी बढ़िया चीज है। तो 5 था ही, हाँ वो तो 5 हो गया। तो ये आपको सेफ्टी रेटिंग में एक बढ़िया चीज ये अब आपको जुड़ गया। अब चलिए बात कर लेते हैं हम इसके गियर नॉब की। यहाँ देखेंगे तो 6 स्पीड आपको मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ देखने को मिल जाता है। अगर बैक करना है तो यहाँ पर आपको एक स्विच दिया गया है, आप इसको, आपको यहाँ पर 360 कैमरा देखने को मिल जाता है। जैसे चाहे आप अपने कैमरा को करके देख सकते हैं, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो। अभी मेरा ये डोर ओपन है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं उस गाड़ी का, आपको जो है सो बगल वाले गाड़ी का भी आपको पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रेयर में देखना हो तो रेयर में भी आप देख सकते हैं, या आपको 3D सराउंडिंग देखना है गाड़ी, मेरा गाड़ी कैसे खड़ा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको देखने को ये मिल जाता है। आपको लेफ्ट राइट सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। हाफ हाफ करके भी आप देख सकते हैं, फ्रंट का दोनों देख सकते हैं, फ्रंट ऊपर नीचे आगे और बगल का, तो दोनों साइड आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो बहुत सारा फीचर आपको डिस्प्ले में कर दिया गया है। तो यहाँ पर स्मूथ एकदम आपको हो गया है आपको इसका डिस्प्ले। यहाँ देखेंगे तो आपको एक आ रहा होगा ये क्या बोलते हैं टावर, नेटवर्क का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आप गाना वगैरह भी ऑनलाइन इसमें सुन सकते हैं। सिल्वर टच यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में आपको यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो में मिल जाता है रेन सेंसिंग वाइपर, आपको यहाँ ऑटो में मिल जाता है। वहीं अगर हेडलैम्प की बात करेंगे तो ये आपको ऑटो में नहीं मिलता है, हेडलैम्प मैनुअल ही मिलता है। आप इसको हाई लो कर सकते हैं जैसे चाहे, यहाँ पर एडजस्ट करना हो सारा कुछ, क्रूज कंट्रोल तो वगैरह तो मिलता ही है। तो ये काफ़ी बढ़िया आपको फीचर इसमें निकल के आ जाता है। यहाँ आपको 3 मोड देखने को मिल जाता है, इको मोड आपको मिल जाता है, स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, और आपको सिटी मोड मिल जाता है। 3 मोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ वायरलेस चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो स्टोरेज एरिया जो दिया गया ये भी काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है आर्म रेस्ट के यहाँ ऊपर में। ये सब आपको सॉफ्ट टच देखने को यहाँ पर मिल जाता है। और साथ ही साथ ये जो देख रहे हैं ये लेदर वर्क यहाँ पर आपको किया गया है। और इंटीरियर तो खैर काफ़ी बेहतर कर दिया, पूरा फुल स्पोर्ट्स आपको इसको बना दिया गया, रूफ से लेकर के नीचे तक फुल्ली ब्लैक ही आपको गाड़ी ये मिलता है। अब चलते हैं इसके रियर में, उससे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो सनवाइजर के ऊपर एक मिल जाता है आपको वैनिटी मिरर, टिकट होल्डर। यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाता है LED में लैंप। यहाँ देखते हैं तो SOS का फीचर आपको देखने को ये मिल जाता है। और यहाँ देखेंगे तो एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ क्या है वो यहाँ पर आपको शो कर रहा था। अभी पैसेंजर एयरबैग ये अभी आपको ऑफ है, ऑन भी कर सकते हैं वो भी हम आपको आगे बताते हैं कि इसमें कहाँ से ये ऑन ऑफ होता है। यहाँ देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मिल जाता है एक सनरूफ, यहाँ पे छोटा सा सनरूफ देखने को मिल जाता है। यहाँ से उसमें उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके रियर वाले सीट पे और बात करते हैं कि रियर वाला सीट हमको कैसा देखने को मिलता है।
वही अगर हम इसके रेयर वाले डोर की बात कर लेंगे तो डोर हैंडल आपको इसका बॉडी कलर में ही मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके डोर पैनल के, डोर पैनल फुल ब्लैक आपको मिल जाता है। यहाँ देखेंगे चाइल्ड लॉक सेफ्टी का फीचर आपको दिया गया है। यहाँ ब्लैक में जो ब्लैक फैन ऑफ फिनिश होता है उसका टच दिया गया है। आपको विंडो का कंट्रोल यहाँ से आप कर सकते हैं, विंडो अप एंड डाउन यहाँ दिया गया है। आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, बॉटल होल्डर मिल जाता है, आपको अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाता है डोर ओपनर जो कि क्रोम में दिया गया है। यहाँ देखेंगे तो स्पीकर का आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। पीछे का सीट देखेंगे तो काफी बढ़िया ब्लैक में ही देखने को मिलता है। खैर थाई सपोर्ट तो खैर काफी बढ़िया हो गया, पहले से काफी बेहतर थाई सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ देखेंगे हेडरेस्ट, दो हेडरेस्ट आपको मिल जाता है, दोनों एडजस्टेबल मिल जाता है। यहाँ अगर आप बात कर लेते हैं हेडरूम की तो वो भी काफी बढ़िया आपको हेडरूम इसमें देखने को मिल जाता है। पांच लोग आराम से बैठ सकते हैं। छोटा सा आपको बीच में हम्प देखने को मिल जाता है। यहाँ मिल जाता है आपको, अगर यहाँ हम बात कर ले तो मिल जाता है आपको एसी, दो एसी वेंट देखने को मिल जाता है, दो चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। एक मिल जाता है आपको 5 वोल्ट 3 एम्पियर और एक मिल जाता है आपको 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर जो कि ए टाइप है सी टाइप है। ये काफी बढ़िया चीज है आपको कि सी टाइप आप प्रोवाइड करवा दिया गया है पीछे में भी। अब हम बात कर लेते हैं हम इसके इंजन में कि इंजन में हमको क्या सब देखने को मिलता है। तो यहाँ से करते हैं इसका हुड ओपन, अगर हुड ओपन कर देते हैं और बात कर लेते हैं सब इंजन की। इसका हुड उठाना बड़े टफ काम है, 5 स्टार रेटेड कार होने के कारण इसका हुड में काफी आपको वेट मिल जाता है। वहीं अगर हम इसके इंजन की बात कर लेंगे तो सामने जो देख रहे हैं आपको ये डीजल इंजन है, डीजल में ये 1.5, इसमें आपको पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है। दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, डीजल और पेट्रोल। तो यहाँ सामने जो देख रहे हैं डीजल में 1.5 है आपको। वहीं अगर इसके हम पावर की बात कर लेंगे तो बढ़िया सा पावर निकल के आ जाता है, 113 bhp का पावर निकल के आ जाता है। वहीं अगर हम इसके टॉर्क की बात कर लेंगे तो लगभग 260 न्यूटन मीटर का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया आ जाता है इसका पावर। और वहीं अगर इसके माइलेज की बात कर लेंगे तो लगभग 24 का माइलेज भी निकल के आ जाता है डीजल में। पेट्रोल में थोड़ा सा आपको एवरेज कम मिलता है बट डीजल में अच्छा खासा आपको एवरेज भी निकल के आ जाता है। वहीं अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आपको मैटिंग किया गया है इंसुलेशन के लिए आपको, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये इंसुलेशन, चूँकि जितना कम से कम आवाज़ अंदर जाए उसके लिए आपको ये लगाया जाता है। यहाँ भी देखेंगे सामने तो सामने भी आपको ये लगाया गया है आपको मैटिंग जो कि आवाज़ को बहुत मतलब रिड्यूस कर देता है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ इस साइड में कि एयरबैग की जो बात कर रहे हैं तो सेकेंड एयरबैग को कैसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ इसका स्विच दिया गया है, सेकेंड अगर एयरबैग को हमको ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेंगे तो इसमें बढ़िया सा आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जो कि आ जाता है 208 आपको इसका mm का ग्राउंड क्लियरेंस निकल के आ जाता है। और हम बूट की बात कर लें, यहाँ अगर बूट हम आपको दिखा देते हैं, आपको बूट भी काफ़ी बढ़िया इसका निकल के आ जाता है। अगर टेल गेट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है प्लास्टिक का, इस टेल गेट को काफ़ी बढ़िया और सुंदर बनाता है। वहीं देखेंगे तो ऊपर में देख सकते हैं दो मिल जाता है इसमें लाइट, यहाँ पार्सल ट्रे आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बूट स्पेस की बात कर लेंगे तो 350 लीटर का आपको बूट स्पेस इसमें निकल के आ जाता है। तो इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर और आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या हमको देखने को यहाँ पर मिलता है। यहाँ देखेंगे तो आपको टाटा का ब्रांडिंग किया गया है। इस साइड में देखते हैं तो आपको मिल जाता है एक लाइट। वहीं अगर बात कर ले, यहाँ पहले इसको खड़ा कर देते हैं, अगर यहाँ अगर बात कर लेते हैं अगर बूट की तो बढ़िया सा आपको बूट निकल के आ जाता है। यहाँ देखेंगे तो दो मिल जाता है आपको टोइंग हुक जिसपे आप 3 kg तक का सामान रख सकते हैं इसमें। यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाता है बॉटल वगैरह, अगर आपको रखना है तो यहाँ पर बॉटल वगैरह भी रख सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर दिया गया है बेल्ट, आप उसको यहाँ पर रख सकते हैं। अगर यहाँ देखते हैं तो ये आ जाता है आपको एक, ये जो दिया गया है 12 वोल्ट चार्जिंग का यहाँ पर पोर्ट दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर आपका टायर इन्फ्लेटेड है तो आप उसको हवा वगैरह कसने में काम आ जाता है। वहीं अगर हम बात कर लें यहाँ स्पेयर टायर व्हील की बात करेंगे तो ये भी आपको इसमें स्पेयर टायर व्हील भी मिल जाता है जो कि आपको इसका साइज आ जाता है। अगर हम स्पेयर टायर व्हील की हम बात करेंगे तो वो भी आपको 16 इंच में देखने को मिल जाता है। और रेयर में ये भी टायर देखेंगे दोनों आपको इक्वल देखने, मतलब पांचों टायर आपको सेम दिया गया है। यहाँ देखेंगे तो आपको वाइपर का जो प्लेसमेंट किया गया है यहाँ से आपको दिख रहा होगा, वाइपर का प्लेसमेंट काफी बढ़िया आपको इसमें किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ग्रैब हैंडल मिल जाता है, एक मिल जाता है यहाँ पर एक छोटा सा हुक। अगर आपका डोर कभी संजोग बस एक्सीडेंट होता है, अगर आप अंदर में फंस जाते हैं तो यहाँ से इसको आप खींचेंगे तो आपका ये जो होता है ये बूट को आप एक्सेस करके बाहर निकल सकते हैं। मतलब टाटा इस बार सेफ्टी में बहुत सारा ध्यान दिया, छोटा छोटा चीज़ को भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, बूट ओपन करने के लिए अंदर में मिल जाता है और किसी भी गाड़ी में आपको देखने को ये सब चीज़ नहीं मिलता है। आपको चाइल्ड सेफ्टी में भी अच्छा खासा आ जाता है। तो और वहीं अगर बात करेंगे इसमें तो आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट का आपको भी इसमें देखने को मिल जाएगा सेफ्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ आइसोफिक्स,
आपको मतलब छोटा बच्चा बैठता है उसके लिए भी आराम से इसमें सीट उसका आता है, उसमें आप एडजस्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ देखेंगे तो आपको ब्लैक पियानो फिनिश का यहाँ पर टच मिल जाता है। ऊपर में भी आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, मतलब बहुत सारा चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर दिया गया है 12 वोल्ट का। ऊपर में दिया गया है, डिक्की में दिया गया है, सामने दिया गया है, आपको बहुत सारा चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर सेकेंड जो को ड्राइवर साइड सीट है ये भी आपको वेंटिलेटेड है, यहाँ से आप इसमें वेंटिलेशन के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तीन मिल जाता है, हाई लो मीडियम, तीनों आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये जो दिया गया है को ड्राइवर साइड, इस सीट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड दोनों सीट आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ वेंटिलेशन दोनों में मिल जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमको एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।